हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो है डिस्काउंट के लिए। तो देखिए, डिस्काउंट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, वो सब चीजें जो है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, आपने नाम सुना भी होगा, और एक होता है कैश डिस्काउंट। सर, ये डिस्काउंट क्या क्या काम आते हैं? देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, आप कहीं भी बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो जगह जगह आप देखते हैं शॉपिंग मॉल्स में सेल के बैनर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल जो वो लगा के बैठा है, जो डिस्काउंट आपको दे रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट। वो क्यों दे रहा है ऐसा सेल? वो आपको डिस्काउंट क्यों दे रहा है? वो आपका कोई चाचा लगता है? नहीं, वो आपको डिस्काउंट क्यों दे रहा है? अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपना डंप जो गुड्स है उनको हटाने के लिए, क्योंकि उसके लिए वो बेकार हो रही है, तो वो सस्ते में बेचना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। टू इंक्रीज द सेल, सेल को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सर क्या होता है? अगर हमें कैश पहले चाहिए, मान लो हमने किसी को क्रेडिट दे रखी है 2 मंथ्स की, भाई आप 2 महीने बाद पैसा दे देना, लेकिन चाहिए अब हमें अभी, तो हमने उसको लालच दिया कि यार चलो 2% कम दे देना, तो वो जो हम 2% कटवा रहे हैं ना पैसा, वो है कौन सा? कैश डिस्काउंट। ये क्यों दिया जाता है? टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब उसी वक्त, फॉरन, उसी वक्त अगर आपको पैसा चाहिए या जल्दी चाहिए, उसके लिए आप जो डिस्काउंट देते हैं वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अलग अलग पर्पस से, ये पेमेंट गेट करने के लिए है और ये सेल के लिए है, सही है। सर, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है, लेस होता है, तो सर ये भी डिडक्ट होता है, इसमें क्या नई बात है, लेकिन इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते, जबकि इट इज शोन इन अकाउंट्स, इसे अकाउंट्स में शो करते हैं। तो ये इसके लिए बेसिक लाइन है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है? टू इंक्रीज द सेल, टू गेट द प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिडक्ट इसको भी करते हैं, डिडक्ट इसको भी करते हैं, लेकिन इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते, इसको अकाउंट्स में शो करते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है जो कि आएगा। इससे रिलेटेड जनरलिटीज क्या है वो अपन देखते हैं। मान लो राम एक पर्सन है जिससे हमें 5000 रुपीज लेने हैं, और हमने उससे कहा कि यार मेरे को जल्दी चाहिए, तो 4800 में वो एग्री हो गया, तो 200 रुपए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा? ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीडी। क्या लिखते हैं? सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट। तो रामसन को 70 रुपए लेने थे, लेकिन रिसीव्ड हमको इतने ही हुए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए? 4800। 200 रुपए कम आए, ये आपके लिए फायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली सर नुकसान है, पैसा कम आ रहा है, तो लॉस आपके लिए क्या होता है? डेबिट। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200। टू किससे आया पैसा? राम से। तो टू राम या टू राम्स अकाउंट कितने रुपए? 5000, सही है। तो कैश तो आया, डेबिट व्हाट? कम्स इन। रूल को फॉलो करना, डिस्काउंट लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और राम ने दिया है, क्रेडिट द गिवर। सारे अकाउंट्स का रूल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर। मैंने कहा हर सिचुएशन का रूल अलग है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको याद होगा। इसमें एक तुकबंदी आपको बता रहा हूं, कैश और डिस्काउंट सगे भाई हैं। क्या है? सगे भाई, हमेशा साथ में चलेंगे। यानी कैश अगर डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश यदि क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये दोनों क्या हैं? सगे भाई हैं, इनको इस तरीके से याद कर लो। लॉजिकल मैंने बता दिया, डेबिट और कम्स इन और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सही है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। मान लो राम को आपको पेमेंट करना था, अब मैं रिवर्स एंट्री करूंगा, अब डेबिट द रिसीवर। तो राम्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5000, और हमने इसको जल्दी पेमेंट किया तो कम पेमेंट किया। टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 4800। कम पेमेंट किया 200 का, ये 200 आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सही है। तो ये एंट्री होगी। सर प्रूफ कैसे होगी? देखो, मैंने बताया था कैश और डिस्काउंट
सगे भाई होते हैं, अभी भी क्रेडिट साथ में हो रहे, डेबिट भी साथ हुए थे, वो क्रेडिट भी साथ हो रहे। रूल भी है, डेबिट द रिसीवर, राम को पैसा दिए है, टू कैश, पैसा गया है, क्रेडिट गोज आउट, और टू डिस्काउंट रिसीव, ये क्रेडिट ऑल इनकम्स है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, रूल उसी तरीके से चलेंगे। हाँ, डेबिट जब होता है तो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, लेकिन क्रेडिट जब होता है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लियर है? ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब डिस्काउंट को डेबिट करते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, कैश डिस्काउंट अलाउड है ये, और जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, इनकम होती है, तो उसे डिस्काउंट अलाउड नहीं कहते, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। तो ये आपके डिस्काउंट के लिए है। ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही लेस हो चुका होता है, ये आप कैश डिस्काउंट की जो एंट्री है वो सीख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने क्या बताया, ये डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000 की गुड्स परचेज की और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बहुत सिंपल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 10% कितना होता है 1,000, 10,000 में से 1,000 गया, कितना बचा 9,000। आपने गुड्स परचेज की थी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए 9,000, बस। इसमें डिस्काउंट क्यों नहीं लिखाते, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि इसको अकाउंट्स में दिखाना नहीं है। हाँ, डिडक्ट करना है तो डिडक्ट मैंने कर दिया, अकाउंट्स में दिखाना नहीं है। आपने एंट्री क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें कहीं डिस्काउंट लिखा नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट पे दिखाना नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो सिंपली लेस हो जाता है, जो लेस होता है इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, क्लियर है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा उसको अपन आगे देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं बोथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लो हमने राम से गुड्स परचेज किए, गुड्स हैं आपकी 10,000 की, ठीक है सर, सर इस पे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, 10,000 का 10% होता है 1,000, कितना बचा 9,000। सर इसका हमने 50% कैश किया है और 50% क्रेडिट किया है, ठीक है, हमारी आधी जो परचेज है वो तो कैश परचेज है और आधी 50% हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है सर। तो 9,000 का 50% होता है 4,500 और 50% 4,500। सर जो कैश परचेज है उस पर हमें 2% डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो इसका 2% कैश डिस्काउंट आ जाएगा, दैट इज 90। तो फिर आप पेड कितना करोगे भाई, 4,500 में से 90 का तो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 4,410 का पेमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, इससे मेरा नेट अमाउंट आ गया। उसके बाद मैंने इनको अलग अलग कर दिया, है ना, आप देख रहे हैं, कैश परचेज मैंने अलग कर ली और क्रेडिट अलग कर ली, तो ये मेरी सेकंड स्टेज हो गई, जब मैं कैश और क्रेडिट को क्या करता हूं, अलग करता हूं। और थर्ड स्टेज में आके जो कैश वाला पार्ट है उसमें से कैश डिस्काउंट लेस होता है, ये थर्ड स्टेप पे होता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि तीन स्टेज का क्वेश्चन है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, फिर कैश और क्रेडिट को अलग कर दो, और फिर कैश वाले में से कैश डिस्काउंट को लेस कर दो। सर इसकी एंट्री कैसे होगी देखते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, ये देखो, ये मत लेना 10, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं करते, तो 9,000 ही शो किया, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000। सर अब कैश है, कैश में इतना तो पे किया है और इतना कैश डिस्काउंट है, दोनों को लिखते हैं टू कैश अकाउंट, कितना पे किया 4,410, टू डिस्काउंट कितना रिसीव किया 90, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 90। और सर राम से परचेज किया था उधार में, तो यहां कौन है, राम, तो टू राम अकाउंट कितने रुपए 4,500। तो इस टाइप की आपको जब भी एंट्री करनी हो, तो मैं आपको बता रहा हूं तीन स्टेजेस को, थ्री स्टेजेस क्वेश्चन कहते हैं, जब भी बोथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट हो, याद कर लो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट दे रखो, तो भी पहले ट्रेड डिस्काउंट ही लेस होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद कैश और क्रेडिट को अलग कर दो, और फिर कैश वाले में से कैश डिस्काउंट लेस करना, क्रेडिट का तो पेमेंट हुआ ही नहीं, तो वहां कैश डिस्काउंट कैसे हो सकता है, कैश डिस्काउंट किसमें होगा, कैश वाले में ही होगा, यह बात अपन को ध्यान रखनी है, क्लियर है, यह बात ध्यान रखनी है। तीन स्टेजेस का क्वेश्चन है, लर्न कर लो, जब भी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ हो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करो,
कैश और क्रेडिट को अलग कर लो और कैश वाले में से कैश डिस्काउंट लेस कर लो। अब इन तीनों को वहां पोस्ट कर दो, देख लो 90 वहां हुआ है, 4410 भी वहां है और 4500 भी वहां है। तो ये अमाउंट इस चार्ट से निकालें, इसको वर्किंग आउट में बना दें या कहीं रफ में बना दें, वर्किंग आउट भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी एंट्री होगी। और क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट है, आप देख रहे हैं मल्टीपल क्रेडिट है, और मल्टीपल क्रेडिट या मल्टीपल डेबिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड जनरल एंट्री है क्योंकि इसमें मल्टीपल क्रेडिट हो गए। पहले मैंने मल्टीपल डेबिट भी बताया था, वो भी कंपाउंड एंट्री था। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बस कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जब भी दोनों हो उनको इस तरीके से ही करना है, ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। तो आगे अपन देखते हैं बोथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के अंदर, अगर हमने पिछले तो परचेज की एंट्री सीखी, अब हम सेल की एंट्री देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई सेल की है और वो है आपकी 10,000 की, उस पर 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, टीडी लिख रहा हूं, और वो होता आपका 1,000, बाकी कितना बच गया 9,000। मान लेते हैं कि इसमें से 60% कैश है और 40% क्रेडिट है, सही है। तो 9,000 का 60% होता है 5,400 और 9,000 का 40% होता है 3,600। और सर इसमें डिस्काउंट जो हमको दिया जा रहा है वो 1% या 2% लेते हैं, 2% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। 5,400 का 2% होता है 108, सही है। तो ये आपका हो गया 5,292 लेस करने के बाद, और ये आपका इतना है। सर इसमें क्या क्या कंडीशन आई, वही 3 स्टेजेस वापस आ गई। पहले मैंने परचेज का क्वेश्चन लिया था, अब मैं सेल का ले रहा हूं। 10% ट्रेड डिस्काउंट है इसका, 10% निकाल दिया स्टेज नंबर 1। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही लेस होता है, चाहे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दे भी रखा हो तो भी पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा क्योंकि इसका नंबर पहले है। नंबर 2 स्टेप, यहां नंबर 2 स्टेप में हमने क्या किया, हमने कैश और क्रेडिट को अलग अलग कर दिया, ये देखिए फिक्स स्टेप्स है। नाउ जो यहां थर्ड स्टेज है, यहां आप देखेंगे कि आपने कैश डिस्काउंट को लेस कर दिया। फर्स्ट स्टेज ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड स्टेज कैश और क्रेडिट को अलग करना है, थर्ड स्टेज कैश में से कैश डिस्काउंट को लेस करना है। सर एंट्री क्या होगी, बहुत आसान है। मान लेते हैं ये माल आपने सीता को बेचा है, सीताज अकाउंट डेबिट, सही, सीता को डेबिट किया, सर उधार है 3,600 का, ठीक है जी। सर कुछ तो कैश आ गया, कैश कितना आ गया 5,292, कैश अकाउंट डेबिट 5,292। और सर कैश डिस्काउंट दिया भी है तो नुकसान है, डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 108। तो सेल्स अकाउंट कितना 9,000, ये लो जी। तो वही 3 स्टेज है, ट्रेड डिस्काउंट, देन कैश और क्रेडिट को अलग करना सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे कैश डिस्काउंट को लेस करना। और देख रहे हैं आप मल्टीपल डेबिट है, और मैंने आपको बोला था मल्टीपल डेबिट जब भी होगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कंपाउंड एंट्री। ये कौन सी एंट्री है, कंपाउंड जनरल एंट्री। तो मैंने आपको परचेज का केस भी बताया था, अब ये सेल का केस है। तरीका एक ही है, 3 स्टेजेस हैं, जब भी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों हो इनका कॉम्बिनेशन हो। ओके, थैंक यू।